सबसे पहले तो मैं जेजी न्यूज़ के माध्यम से सभी को बैसाखी की बधाई देता हूँ। आज बड़ा शुभ दिन है बैसाखी का। लॉकडाउन होने के बाद ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो रही है, क्योंकि कैंप कम लग रहे हैं। कल बैठे बैठे ध्यान आया, अपने लायंस क्लब के साथियों से मैंने बात की कि एक ब्लड कैंप लगाया जाए, छोटा सा ब्लड कैंप के अंदर। तो आज उस कड़ी के अंदर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, लायंस क्लब सिरसा सिटी के सभी सदस्य, श्याम परिवार ट्रस्ट के सभी मेंबर, नामदारी समाज से। आज हमारा टारगेट है कि 10 से 15 यूनिट कम से कम हम यहाँ पे डोनेट करें, जिसके अंदर हमारे सभी साथी आए हुए हैं और आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज सिरसा के अंदर 4 हॉस्पिटल कोरोना के लिए तैयार किए गए हैं, संजीवनी हॉस्पिटल, डेरा सच्चा सौदा, सिविल हॉस्पिटल और जनता हॉस्पिटल। लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, ताकि हम इस कोरोना नामक महामारी से अपने देश को, अपने समाज को बचा के रख सकें। सभी लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। हम लोग भी यहाँ जब इकट्ठे हुए हैं, हम लोग भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए इस काम को कर रहे हैं। मैं सभी जो कह रहे हैं चालान कट रहे हैं, जब लॉकडाउन है तो लोग बिना मतलब के स्कूटर मोटरसाइकिल लेके और बगैर कानून की पालना किए हुए, ना हेलमेट लगा रहे हैं, ना कागज़ साथ में होते हैं, तभी चालान कटता है। अगर हेलमेट और कागज हैं तो शायद किसी का चालान नहीं कट रहा। सभी से मेरी प्रार्थना है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा फालतू में बेफजूल सड़कों पर ना घूमें। ये शुरू में हुआ था, अब हमने भी बिल्कुल फ़ोटो लेना बंद कर दिया है। कोई फ़ोटो किसी को खाना प्रोवाइड करवाते हुए, राशन देते हुए नहीं है। लिस्ट बनती है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट के लोग जिनकी ड्यूटियाँ लगी है वो हमारे साथ होते हैं, लिस्ट बनती है और कोई फ़ोटो नहीं ली जाती। देखिए 15 दिन के लिए तो कम से कम बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अभी मरीज मिल रहे हैं। सुना है कि रोड़ी के अंदर भी एक महिला अभी मिली है। सोशल डिस्टेंस 15 दिन के लिए तो कम से कम बढ़ना चाहिए। जनता से फिर यही प्रार्थना करूँगा कि सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें। हम सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। 4000 परिवारों को हम लोग अभी राशन बांट चुके हैं, परंतु हम उसका सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए वो सब काम कर रहे हैं और आगे भी ये चालू रहेगा। जिस किसी को भी राशन की जरूरत है वो डीसी ऑफिस में लिखवाए, डीसी ऑफिस से हमारे पास मैसेज आएगा, हम उसके घर पर राशन पहुँचा करके आएंगे। प्रशासन का नंबर है 01666247621।